हेलो फ्रेंड्स, शिवांगीज किचन न्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ सभी की फेवरेट मटर पनीर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पर मैंने लिए 500 ग्राम मटर, एक टमाटर, एक प्याज, एक हरी मिर्च और ये 250 ग्राम पनीर। मसाले लिए गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार, कश्मीरी लाल मिर्च और ये ऑप्शनल है, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। ये लिया मैंने गार्निशिंग के लिए धनिया और ये 6-7 काजू। ये अमूल फ्रेश क्रीम ली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कढ़ाई को हाई फ्लेम पे गरम कर लेंगे और इसमें ऊपर से सरसों का तेल डाल देंगे। आप इसकी जगह रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे तेल गरम होता है तो मैं इसमें ये प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डाल दूंगी। इसको हल्का सा भूनना है, अच्छी तरह नहीं गलाना है इसको, क्योंकि ये थोड़ा मैं ग्राइंड कर लूँगी। इस तरीके से पकाने से इनका फ्लेवर अच्छा आएगा, खुशबू अच्छी आएगी। सो हल्का सा मैं इनको दो चार मिनट में इनको भून लूँगी या कवर कर लूँगी इनको थाली से। और ये यहाँ पे मेरे प्याज, टमाटर, मिर्च और लहसुन भुन चुके हैं और इसमें मैं काजू भी ऐड कर लूंगी और ये जो थोड़ा ठंडा होने पे इसको मैं ग्राइंड कर लूंगी। तो ये यहाँ पे मेरा अच्छा सा पेस्ट बन के तैयार हो गया। अब मैं दोबारा फिर से कढ़ाई गरम कर लूंगी और इसमें तेल डाल के, सरसों का तेल डाल के इसमें ये जो मैंने पेस्ट बनाया है प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, काजू, लहसुन का, इसको मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। और इसको बाद ये जो मसाले लिए हैं, मसाले और नमक लिए, इसको डाल दूंगी। 1/3 चम्मच धनिया पाउडर 1 चम्मच लिया है। अच्छे नहीं लगते, कड़वापन आ जाता है। बनाने के लिए ये जो बाकी मसाले बच गए थे, पेस्ट बच गया था जार में, उसको मैंने धो के इसमें डाल दिया है। और ऊपर से मैं ये थोड़ा सा अमूल फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ, जिससे कि हमारी ग्रेवी में थोड़ा स्वाद आ जाए। अब इसको 4-5 मिनट हम ऐसे ही पका लेंगे ढक के। 4-5 मिनट पकने के बाद ये यहाँ पे अच्छी सी खुशबू आने लग गई इसमें। अब मैं इसमें मटर ऐड कर लूंगी और मटर को आधा पकाने के बाद ही मैं इसमें पनीर डालूंगी, क्योंकि मटर कच्चे हैं, इनको थोड़ा पकने में टाइम लगेगा। सो मैंने यहाँ पे मटर डाल दिए और अब मैं इनको 2-4 मिनट पकाने के बाद यहाँ पे ढक लिए हैं और ये 2-4 मिनट पक गए हैं। अब इसके बाद मैं इसमें पनीर ऐड कर लूँगी और जितने हमें इसमें पानी चाहिए उस हिसाब से मैं इसमें पानी, अगर आप गाढ़ा पसंद है तो पानी कम रखिए और पतला पसंद है तो आ सकते हैं। यहाँ पे 5-6 मिनट पकने के बाद फिर से मेरी मटर पनीर की सब्जी तैयार है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी स्वादिष्ट बनी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज की रेसिपी यहीं पे एंड करते हैं, फिर आएंगे अपनी नई रेसिपी को लेके। तब तक के लिए हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।